दोस्तों, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारा शरीर स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ इन फाइव एलिमेंट से बना हुआ है, और ये फाइव ग्रेट एलिमेंट कॉम्बाइंड होके ही तैयार होता है बेसिक थ्री एनर्जीज, और ये थ्री एनर्जीज हमारे हर सेल, हर टिश्यू में वर्तमान है। ये थ्री एनर्जीज का नाम है वाता, पित्ता एंड कफा। दोस्तों, इन एनर्जीज को आयुर्वेद में दोसा नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब ये एनर्जीज इन बैलेंस होता है तब हमारा हेल्थ परफेक्ट होता है, और जब ये एनर्जीज आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है तभी हमारे हेल्थ में गड़बड़ी शुरू होता है। दोस्तों, हर इंसान में ये दोसाज होता है, बट इनमें से एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है और तीसरा लिस्ट प्रोमिनेंट होता है। और दोस्तों, आप अगर अपने फंडामेंटल बॉडी टाइप को जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको इन दोसाज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जानने के लिए आप लोगों को कुछ सिंपल सवाल का जवाब देना होगा, और हर सवाल का थ्री ऑप्शन होगा जिनमें से आपको एक राइट ऑप्शन चूज करना है। और अगर आप ये ऑप्शन को अपने कॉपी में राइट डाउन करके रखते हो तो आपको एंड में जाके थोड़ा सा आसानी होगा अपने फंडामेंटल बॉडी टाइप को जानने में। दोस्तों, इन सवालों से आपका फंडामेंटल बॉडी टाइप क्या है इसके बारे में एक क्लियर पिक्चर तो उभर के नहीं आएगा, बट इससे आप लोग और ज़्यादा बेहतर अपने फिजिकल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन एंड मेंटल कंडीशन को समझ पाओगे। नंबर वन, बॉडी साइज स्मॉल, ऑप्शन बी मीडियम, ऑप्शन सी लार्ज। नंबर टू, बॉडी वेट, ऑप्शन ए लो, ऑप्शन बी मीडियम, ऑप्शन सी ओवर वेट। नंबर थ्री, स्किन, नंबर ए थिन, ड्राई, कोल्ड एंड डार्क, ऑप्शन बी स्मूथ, ऑयली, वार्म, रोजी। नंबर सी, ऑयली, कूल, व्हाइट, पील। नंबर फोर, ऑप्शन ए ड्राई, ब्राउन, ब्लैक, ब्रिटल, थिन, ऑप्शन बी स्ट्रेट, ऑयली, ग्रे, रेड, ऑप्शन सी थिक, कर्ली, ऑयली, वेबी। नंबर फाइव, आईज, ऑप्शन ए स्मॉल, ऑप्शन बी शार्प एंड ब्राइट, ऑप्शन सी बिग एंड ब्यूटीफुल। नंबर सिक्स, लिप, ऑप्शन ए ड्राई, क्रैक्ट, ऑप्शन बी रेड, योलोइस, ऑप्शन सी स्मूथ, ऑयली। नंबर सेवन, नेल, ऑप्शन ए ड्राई, ब्रिटल, ऑप्शन बी शार्प, फ्लेक्सिबल, ऑप्शन सी थिक, ऑयली। नंबर एट, डाइजेशन, ऑप्शन ए इनरेगुलर, बी क्विक एंड सी इट्स टेक लॉन्ग टाइम। नाइन, टेस्ट, मीठा, खट्टा, तीखा, बी मीठा, कड़वा, ऑप्शन सी कड़वा, स्पाइसी। नंबर टेन, फिजिकल एक्टिविटी, ऑप्शन ए हाइपर एक्टिविटी, ऑप्शन बी लिमिटेड, ऑप्शन सी स्लो। नंबर इलेवन, मेंटल एक्टिविटी, ऑप्शन ए ऑलवेज एक्टिव, ऑप्शन बी लिमिटेड, ऑप्शन सी डल एंड स्लो। ट्वेल्व, इमोशन, ऑप्शन ए एंग्जाइटी एंड फेयर, ऑप्शन बी एंगर, हेट, जेलेसी, ऑप्शन सी काम, ग्रीडी। नंबर थर्टीन, स्लीप, ऑप्शन ए आपका नींद क्या कुछ टाइम में ही टूट जाता है, ऑप्शन बी आपका नींद कम गहरा है, ऑप्शन सी आपका नींद बहुत ज्यादा गहरा है। नंबर फोर्टीन, ड्रीम, आपका ड्रीम क्या क्विक, एक्टिव एंड फेयरफुल है, ऑप्शन बी वॉर और वायलेंस वाला ड्रीम आप देखते हो, ऑप्शन सी रोमांटिक ड्रीम देखते हो। दोस्तों, आई होप आप लोगों को आपका राइट ऑप्शन मिल चुका होगा। इन थ्री दोसाज में सबसे ज्यादा दोसा जो आपके अंदर पाया गया है वो प्राइमरी दोसा है, इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट दोसा है वो सेकेंडरी दोसा है, एंड थर्ड लार्जेस्ट जो दोसा है वो लिस्ट प्रोमिनेंट है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सेवन अलग टाइप के बॉडीज है। इन सवालों के जवाब में आपका अगर वाता दोष सबसे ज्यादा आया है तब आप वाता बॉडी टाइप पर्सन हो, अगर आपका पिता आया है तो आप पिता टाइप पर्सन हो, और अगर आपका दोसाज वाता और पिता दोनों आया है तब आपका बॉडी टाइप वाता पिता है। तो दोस्तों, इन सवालों के अकॉर्डिंग आपको एक थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मिल चुका होगा आपके बॉडी टाइप का। अगर दोस्तों ये सारे दोसाज बैलेंस में है तब तो परफेक्ट है, और दोस्तों ये सारे दोसाज आपका अगर आउट ऑफ बैलेंस है तब आपको बहुत ज्यादा मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वाता जब आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है तब कॉन्स्टिपेशन,
गैस, वीकनेस, अर्थराइटिस, ड्राई स्किन, क्रैक्ड हील, मेंटल कंफ्यूजन, ओमेन एक्सेसिव ब्लोटिंग, लो बैक पेन, फेयर इनसिक्योरिटी, इन टाइप का प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। और जब पित्त आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है तब इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एसिड इंडिकेशन, एक्सेसिव हंगर, जॉन्डिस, रैश, बर्निंग सेंसेशन, इन टाइप का प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों जब कफा इनबैलेंस हो जाता है तब ओबेसिटी, वुमेन सफरिंग फ्रॉम PMS सिम्टम्स, कॉफ, इस टाइप के प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आप अगर बाता प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तब आपको नंबर 1 गर्म खाना खाना चाहिए, नंबर 2 आपको काम रहना चाहिए, नंबर 3 आपको रो फूड अवॉइड करना चाहिए, नंबर 4 आपको कोल्ड फूड अवॉइड करना चाहिए, नंबर 5 आपको एक्स्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर अवॉइड करना चाहिए, आपको वार्म फूड एंड स्पाइसी फूड खाना चाहिए। और अगर आप पित्ता प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तब आपको नंबर 1 एक्सेसिव हीट को अवॉइड करना चाहिए, नंबर 2 आपको एक्सेसिव ऑयल अवॉइड करना चाहिए, नंबर 3 आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, लिमिटेड सोल्ट खाना चाहिए या रॉक सोल्ट आप खा सकते हो, नंबर 5 आपको ठंडा और नॉन स्पाइसी फूड खाना होगा। और दोस्तों आप अगर कफा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तब आपको नंबर 1 बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना होगा, नंबर 2 आपको हेवी फूड अवॉइड करना होगा, नंबर 3 आपको एक्टिव रहना होगा, नंबर 4 आपको ड्राई फूड अवॉइड करना होगा, नंबर 5 आपको लाइट खाना खाना होगा, नंबर 6 आपको फैटी एंड ऑयली फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। दोस्तों सेल्फ अंडरस्टैंड बहुत ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेदा कहता है हर इंसान यूनिक है, बट हर इंसान के अंदर कुछ खूबी है और कुछ कमी है। और अगर हम अपनी कमी को अपने आप समझ सकेंगे और उसको सुधार सकेंगे तो इससे ज्यादा ग्रेट कुछ नहीं होगा। और दोस्तों ये दोषास को समझ के हम अपने फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस को इजीली समझ पाएंगे और आसानी से इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम खुद ही निकाल पाएंगे। इसीलिए दोस्तों ये जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ इस विषय में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस टाइप के हेल्थ नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सो प्लीज सब सारा खबर सबर कराए सर सारा कब व्हाटएवर।